इसका जवाब से है नहीं। मान लिया उधर पे आ गया हूँ, देखो ये नदी नाम में क्यों आए दोस्त। अभी एक बैठा दोस्त, देखो मम्मा के घर जाऊँ या मौसी के घर जाऊँ, मैं तो दोनों जगह जी कर मम्मी। हाँ यह बात सही है, 15 दिन मामा के लिए जाऊंगा, 15 दिन तो क्या बना दिया यो जोर का दस का दोस्तों, क्या बना दिया मेरी मम्मी जी ने यहाँ पे अजीब सा। और आज खिचड़ी बनाई थी मम्मी जी ने, टेस्टी टेस्टी खिचड़ी। इसमें तो दोस्तों मैंने ना पता है क्या कर दिया, खीरे चीर दिए, प्याज चीर दी और ना दही मिला दी इसमें, और मुझसे सारी खाई भी नहीं गई क्योंकि मम्मी जी इतनी सारी गाल दी थी, इतना सारा घी गिर दिया था, खाई नहीं गई मुझसे। तो मैं दोपहर में खा लूंगा इसको। तो अभी काम करते हैं, है ना मम्मी, काम तो करना पड़ता है। और दीदी भी गई हुई है तो दीदी भी निकल आते हैं मम्मी को और मुझको, और इसको करना पड़ेगा, है ना। हाँ, यहाँ तो मारी गला तो घूमा भी चारी जी जी तम जाऊ उड़े तो जाओ है नानू। और तो मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर में आपको, काम करके सारा काम करके मिलेगी। और एक दो दिन में मम्मा घर भी जा रही हूँ, ठीक है, एक दो दिन में। हाँ एक दो दिन से पहले खिला दूंगा मैं, तो उसके बाद 36 दिन छुट्टी है, 36 दिन की मजा आ जाएगी दोस्तों। और दोस्तों भी सारा काम कर लिया है और ना टाइम 3 बजे हैं, देखो 3 बजे टाइम, और अब सारा काम निपटा है सुबह का। और ये निकल में होनी चाहिए लेकिन आपको पता है गाँव वाले का तो चाय 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 हम नहीं रह सकते दोस्तों, 40-45 का, 45 का टेम्परेचर 50 से ऊपर जाएगा ना, फिर भी चाय पसंद है। अभी देखो मम्मी चाय बना रही है, एनर्जी ड्रिंक रेड बुल स्टिंग और ये हेल्थ कुछ नहीं है इनके लिए, बस एक गिलास टी तुमने हमें दी, हमने पी ही। सभी टाइम देखो 4:30 का हो रखा है और आज इतना सारा काम किया तो कुछ तो खाने का बनता है। तो अभी जा रहा है क्या मम्मी, और दोस्तों अभी कुछ खाने पीने के जा रहे थे तो इतना सारा काम किया था दोस्तों, कुछ तो खाना पीना बनता है। यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पे रानी है और खाजली, और यहाँ पे मर्क पारी होगी, ठुन 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 पारी होगी, तो अभी जा रहे कुछ खाने पीने को लेने। तो चलते हैं अभी, और यहाँ पर देखो पंखे रखे हैं, पापा जी पंखे लेके आए थे, दो ये दो पंखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो पंखा है स्टोर का, यहाँ का, ये यहाँ का देखो ये पंखा खराब हो रखा है, चलता ही नहीं है। और एक है हॉल के ऊपर का, हॉल के ऊपर का पंखा, तो पंखे लेके आया, पंखा लेके आया था, तो देखा कहीं होगा लगाता है पापा जी। तो अब चलते हैं उस खाने पीने का, सामान लेकर घर पे आ गया हूँ, देखो तो चलते अभी अंदर। और देखो दोस्तों मैं अपने तो स्प्रिंग रोल लिया था और यहाँ पे मम्मी जी के लिए बर्गर रोल चाउमिन लिया था, तो अभी खा लेते हैं, लड्डू को भी खिला दिया। देखो ये हमारे लड्डू भाई अभी सुबह उठा है क्योंकि टाइम 5 बज गए ना, तो 1 बजे सुबह और 5 बजे उठाते हैं। और वैसे दोस्तों ना हम ये चीज कभी कभी खाते हैं, कभी कभी क्या हफ्ते में एक बार खाते हैं, हर संडे को खाते हैं क्योंकि हर संडे काम करना पड़ता है ना, तो करके हम थोड़ी बहुत ही खा लेते हैं चीज, वरना हफ्ते में एक बार, महीने 4 बार। The next day. Good morning, ये वाला मैं next day shoot कर रहा हूँ और अभी 4 बजे शाम की, और आपको एक कमाल की चीज दिखाऊँ। आज दोस्तों दादी जी भी आ चुकी है, देखो यहाँ पे लेटी हुई है दादी जी, और घर पे गई थी ना, व्लॉग बनाना है ना, ये नदी नाम में क्यों आए और रुक के आई। हाँ हफ्ते, हाँ देखिए आप एक हफ्ता रुक के आई, हफ्ते तक भी ना एक हफ्ता पूरा तो मामा गई थी तो मामा ली, और दीदी भी आ गई दोस्तों आज। और अभी यहाँ पे रानी बैठी है, नानू नानू, और चावल खाओगी माँ, ओके ठीक है दोस्तों, अभी भूख लगी हुई थी तो मैं सोचा कि चावल बनाऊँ थोड़े से अपने लिए,
व्हाइट वाला ले, मतलब सिंपल चावल है तो वो बहुत अच्छे लगे हैं। एक प्याज काट लूंगा मैं और नमक गला खा लूंगा, मस्त लगेंगे। नमक और प्याज काट लूंगा, तेरे भी काट प्याज ठीक है। और दोस्तों भी देखो ये चावल ले लिया, और मम्मी जी ने बता रखे हैं मुझे कैसे बनाने हैं। जैसे कि अब आधा कटोरी, एक कटोरी चावल ले लेना मैंने, ये बहुत है मेरी और माँ के लिए। और अब इससे ना दो ना पानी डालना है, इससे मतलब एक कटोरी लेना तो उसमें दो कटोरी या ढाई कटोरी पानी पड़ेगा, तो ऐसा तो मुझे पता है दोस्तों। तो कैसे चमक रहे चावल है ना देखो। और दोस्तों मेरे खुश पकने के लिए रख दिए हैं, जब तक मैं प्याज काट लूँ, क्योंकि प्याज के साथ खाऊंगा ना सब्जी। तो तोरी बना रखी है, सबसे गंदी लगती है मुझे सब्जी तोरी। और अरवी, अरवी भी खा लेता हूँ, तोरी गंदी लगती है सब्जी। तोरी होगी, टिंडा का छिलका है, बस तोरी पीली दाल गंदी लगती है। और उसमें भी घी और प्याज डाल दो, वो बिच लगती है सब्जी बेस्ट लगती है। और दोस्तों देखो जब तुम चावल ले हैं तो यार मम्मी जी की चाय बना लेता हूँ, मम्मी जी की और दीदी जी की, दीदी की और थोड़ी सी अपनी बना लेता हूँ मैं, तो चावलों के साथ खा लूँगा। तो उसमें जब तक तो वो बन रहा था चावल पतीले में, इसमें बना दिए थे मैंने फ्राईदान में, तो ये इसमें बना दी मैंने चाय। तो अभी उबल रही है, अभी अभी रखी है, हो जाएगी तो 5-10 मिनट में, 5-10 मिनट में भी क्या जल्दी बन जाती है तो चाय रानी। तो दोस्तों चावल भी बन चुके हैं अपने, मस्त जीरा राइस, थोड़ी जीरा भी डाल दिया था, और यहाँ पे चाय भी बन चुकी है। तो अभी इसमें अपने थोड़े से प्याज और नमक वगैरह खाता हूँ, उसको मस्त मजा आ जाएगा। और दोस्तों अभी वो चावल वगैरह खा लिया, पेट भर गया तरीके से, और अभी जा रही घूमने के लिए। और अभी गाँव भी तो अच्छा बच गया, अभी गाँव इतना ज्यादा है। और दोस्तों अभी तो आपको बार का मौसम दिखा देता हूँ मैं, और यहाँ पर नानू बैठी है, आजकल के लोगों में बार बार ऐसा कह रहा हूँ नानू बैठी है, नानू बैठी है। तो देखिएगा गाइस, तो चलिए आजा। बहुत 6 बजे अभी 6:30 होने का टाइम है, धूप देखो अभी तक कितनी है ना। और दोस्त अभी मैंने पूजा कर लिया ना मम्मी, और अरे रुक जाओ, हाँ ये तो है, ये तो है हमारे गुरु जी। जय हो गुरु जी की, जय हो, जय हो, जय क्या मेरा। अच्छा तो आज मैं ब्लॉग बनाने वाला हूँ चिल्ला के, चिल्ला के जोर से बोल के, पता नहीं क्यों मैंने एक ब्लॉग देखा था किसी का, वो आज कहता तो स्वाद से की वीडियो में आपको घर वाले को बहुत इंटरेस्ट होने वाला है, लोग समझ गए। चलो मैं बता ही देता हूँ, मैं निको दोस्तों तो अभी हम जा रहे हैं दोस्तों, हमारे जो बेल है ना, अभी बेल उसको क्या कहते हैं, बेल को ये पिट है की बेल, इस पे जा रहे हैं हम पानी डालने के लिए। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो अभी हम जा रहे हैं दोस्तों पानी डालने के लिए, उनमें क्या बोला मैं उठ पाऊंगा। अच्छा इसको दे रहे हो गे रोटी, देखो दोस्तों। और जब मैं सुबह तो उन्हें अपने आप फटे हो जाते हैं, इसको पता चल जाता है। जाओ जाओ घूम क्या। तो जो हमारे पट्ठे की बेल है ना दोस्तों, उसमें हमारे पट्ठे की बेल है दोस्तों, घेर में उसमें पानी डालने के लिए जा रही है। उसको ना हमने वीडियो में देखा था, दो फेरी में ना उसको पानी डालते, उसको ना चाहे तो शाम को पानी डालते बिल्कुल शाम को, और चाहे तो बिल्कुल सुबह सुबह ना मम्मी सुबह सुबह बेटा इसमें पानी डालती ना। किस मारा हाँ वो सुबह टाइम ना लगता है, उन भी टाइम ना लगता सच में। नहीं टाइम तो मैं कर दी बेटा, पर नीचे तो ठंड सी रह जड़, और ऊपर तक करड़ा काम पड़ा है, गर्म शरद हो जाएगा बेटा, कभी गर्म शरद हुआ करा सब। आजा एमी टू भी, एमी तेरा व्लॉग सब्सक्राइब करने को बोल दिया मैंने व्लॉग चैनल। तो ये हमारी पट्ठे की बेल दोस्तों आपको दिख रही होगी, तो मम्मी के बोल ऊपर कपे है। हाँ ये रहा एक पट्ठा दोस्तों, देखो मैं तो आज ही, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा दिखा भी है, रुक जाओ जूम कर लेता हूँ, फ्लैश लाइट दिखाओ। यहाँ पे सी क्या एक पट्ठा हो रहा है, बंदर बहुत आते हैं, बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर। तो अभी देखिए गाइस
अंधेरा बहुत ज्यादा है ना यहाँ पे, आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे तरीके से। पत्तों पर डाल दो, जड़ में डाल दो बस। नहीं बेटा पत्ता पर है ना, थोड़ी ठंड लग जाएगी, बूंदा वाला काम होगा। अच्छा वैसे भी आपको कुछ दिख नहीं रहा दोस्तों यहाँ पे, यहाँ तो बंद ही कर देता हूँ इससे अच्छा। तो और देखे दोस्तों अभी यहाँ पे बन रहा है चूरमा, तो मम्मी जी ने चूरमा बना दिया बिल्कुल गच्च देसी घी का, गाय के देखो ना मस्त है ना, देखना भाई। और यहाँ पे देखो गुड़, और मम्मी का गुड़ पता कैसे पिसा, मिक्सी में पीस दिया गुड़। बेटा इन दिनों गर्मी है ना, हाँ वे पत्थर से कती बिल्कुल हो जाए। और वे डली सी आओ ना फिर मुंह में, हम बैगन दी तो लग गए, मिक्स में पीस दिया बिल्कुल, उस जैसा हो गया शक्कर जैसा, बिल्कुल शक्कर जैसा इतना। और अब रोटी बना दी पीस का आता है, हाँ तो रोटी पीस दी और बिल्कुल आसानी से बन गया ना मम्मी। मस्त है ना बिल्कुल, तो अभी खाते हैं बिल्कुल मस्त मस्त चूरमा। क्या खा लो गाइस, दो अच्छा खवा दूंगा, लड्डू गोपाल जो खिला खाते हैं। और देखो दीदी जब क्या ही है ना ते आज काम में मर गई खड़ी, देखो शाम हो रही है, कितनी साढ़े आठ हो रही है, रात के 8:30 हो रहे हैं और अभी सफाई करने को लग रही है, या सोच रहा है कि मम्मी पापा इसको खुश होकर 500 रुपए का इनाम दे देंगे। तेरे की डांट हो रही है, तेने एक बार कुछ काम किया जब इनका काम करना पड़ेगा। और देखो इस तरह कितना सुंदर बेड कर दिया, ये ना काला काला सा हो रखा था, इसने बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ कर दिया ये बेड। तो अभी लड्डू का बाल जो खिला के आता हूँ चूरमा, मेरा दोस्त लड्डू भाई अपना, तो ले भाई खा ले चूरमा, खा ले शालीग्राम, खा ले भाई गणेश, खा ले मेरे सारे दे तो खोलो। लड्डू रमाल बनना रमाल, देसी का चूरमा खाना पड़ेगा, के डब्बे खाने महंगा लग रहा है। इसका जवाब है कत्ती फोनिया, और इसका जवाब है नहीं के डब्बे खानिया देसी ना रहा, इसका जवाब से है नहीं के देसी लोग उस गल्ला डब्बे खाने लगे लड़ाई कर लेगा, इसका जवाब है वेरी यस जय बाबा की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, के प्रोटीन में देसी की जगह ना गोवा है, मतलब भी कौन है तेरे बेरा है, ये जो अपने दादा थे ना ये देसी ये खाया करते, माले जो दो पांच पांच लीला ने तबा दिया करते अड़ गला देख ले, अरे मैं मान जाऊंगा कत्ती, मैं एक डब्बे खाने हैं 2 किलो लगते बा दिए थे, अब मारे तो दादा हुआ करते हैं दादा 5-5 किले देसी की खानिया, क्या हो गया उत्तर ही गया 5-5 किले इकट्ठे बा दिए करते, जय बाबा जी। The next day. तो गाइस गुड मॉर्निंग, मैं उठ गया टुडे शूट कर रहा हूँ, और आज का व्लॉग आपको अलग जगह से स्टार्ट हो रहा होगा दिख रहा होगा, क्योंकि आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है पूजा वाले घर से। तो देखो अभी यहाँ पे लड्डू जी को नहला दिया है, ना तो खुद भी, तो अभी जोत लगा लेता हूँ जोत, लड्डू का भी शालिग्राम का भी गणेश जी को तीनों को नहला दिया, तो अभी पूजा कर लेता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे, ठीक है। और दोस्त अभी देखो पूजा कर लिया, सूर्य देव को जल चढ़ा के आ गया हूँ, और अभी बनाऊंगा अपना जूस मैंगो शेक, तो घर में मैं तुम्हें मैंगो शेक है बनाना, शेक बना लेता हूँ, तो कल लेके आया था आम, तो भी बनाता हूँ शेक। देखो डोली में पानी वगैरह और मतलब वगैरह अच्छे तरीके से डाल लिया आज में, तो चलता हूँ अभी, और आता हूँ दूध भी लेके नहीं आना थैली का, क्योंकि ये जो उसका दूध मिलता है ना पड़ोस में वो थोड़ा ही मिलता है, 1 किलो मिलता है, लेकिन उसमें तान नहीं पासी, तो 1 किलो हम थैली का लेके आते हैं। और रसोई मंदिर पे आ गया था देखो, और आज कड़क में पढ़ करके वीडियोस लेके लाइक कर दिया, चैनल सब्सक्राइब कर दिया, मजा आ गया ना, थैंक यू वाचिंग, बाय।